क्या आपने कभी सोचा है फालूदा केक बन पाओ और आइसक्रीम में जो रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी होती है वो कैसे बनती होगी? अगर आपने नहीं सोचा है तो आज हम आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमीज फंडा। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी की रेसिपी। आइए हम आपको दिखाते हैं उसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी वेनिला एसेंस की, फिर कच्चे पपैये की, फूड कलर्स और एक कप शक्कर लगेगा। हम पपैये को छीलकर साफ करके उसके छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस कर लेंगे और फूड कलर्स जो आपको चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। हमने एक पैन ले लिया है और उसमें एक कप पानी ऐड कर दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर जो कच्चे पपैया काट के रखे थे, पीसेस किए थे, उसे हमने इस पानी में डाल दिया है। अब हम इसे इतना बॉईल करेंगे कि ये सिर्फ कच्चा पक्का तैयार हो जाए, हमें इसे कम्प्लीटली पकाना नहीं है। हम इसे यहाँ पर ढककर पका रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये तैयार हो जाए। सिर्फ 3 से 4 मिनट में ही ये तैयार हो गया। अब हम इसे छान लेंगे। अब हमने यहाँ फिर से एक पैन ले लिया है और उसमें फ्रेश पानी ऐड कर दिया है और जो हमने शक्कर निकाली थी वो भी हमने यहाँ ऐड कर दी है और उसे थोड़ा इतना पकाना है कि शक्कर मेल्ट हो जाए और जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाएगी तो जो पपैया है हम इसमें फिर से ऐड कर देंगे और उसके बाद हम उसे इतना पकाएंगे कि जो है वो चाशनी बन जाए और जो चाशनी का मिठास है शक्कर का वो पपैये में आ जाए। अब यहाँ पर ये एकदम से तैयार हो चुका है तो अब हम यहाँ ऐड करते हैं हमारे 2 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के और उसे मिक्स करते ही हम अपना गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमने यहाँ पर अपने कलर को 3 अलग अलग बॉल में ऐड कर दिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए और उसके बाद जो हमने पपैया चाशनी के साथ पकाया है वो इसी कलर्स में थोड़ा 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 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने में आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो भी चम्मच यूज़ करोगे तीनों के लिए अलग अलग हो, वरना जो कलर है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसे 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो भी चाशनी कलर्स है वो एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। 5 घंटे के बाद हमने यहाँ पर टिश्यू पेपर सेट कर दिया है और उस टिश्यू पेपर में हमने टूटी फ्रूटी को डाल दिया है ताकि वो थोड़ा ड्राई हो सके। हमने जितना हो सके ट्राई किया है कि चाशनी टिश्यू पेपर में ना जाए, सिर्फ टूटी फ्रूटी ही जाए। हमने यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, जो टूटी फ्रूटी हम टिश्यू पेपर में डाल रहे हैं उसके लिए हमने अलग अलग चम्मच का यूज़ किया है। आप जो देख रहे हैं रेड कलर वो ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है, उसका जो जितना भी चाशनी है वो टिश्यू पेपर ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये इतने जल्दी ड्राई नहीं होगा, हमें इसे 12 घंटे के लिए ऐसे ही रखना होगा। अब आप देख रहे हैं ये 12 घंटे के बाद ड्राई हो चुका है अच्छी तरीके से, हमने बीच में एक बार टिश्यू चेंज किया था। अब हम इसे मिक्स करके आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन आती रहे। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।